Hello everyone, how are you? I hope you all will be fine and doing your studies. So in the last video we had discussed electrolysis. Care. So what was electrolysis? Electrolysis is the lysis or breakdown, the lysis. Lysis or breakdown of any electrolyte in the presence of electricity means lysis in presence of electricity of any electrolyte was termed as electrolysis. सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिसकेलेक्ट्रोलाइसिसेक्ट्रोलाइसिस फेराडे जो हमारे पास साइंटिस्ट था उसने टू लॉज दिए थे कितने लॉज थे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस थे सो so फेराडे ने क्या स्टडी किया फेराडे ने स्टडी किया था हमारे पास रिलेशन बिटवीन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेट एंड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट मीन्स उसने क्या किया ने जैसे कि हमारे पास एक सेल ली सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं ठीक है सेल को हमने बाहर एक एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ा बैटरी से जोड़ा तो उसने क्या देखा कि को कितना अमाउंट किसी सब्सटेंस का यहाँ पर लिबरेट हो गया डिपोजिट हो गया जैसे कि मैंने एन का सोल्यूशन लिया है तो कितना सोडियम एटम यहाँ पर जाके डिपोजिट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा हमने कितनी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर दी है इसको कितना हमने चार्ज दिया है तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट और अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ट ठीक है एक ही बात है तो इसने क्या बताया था कि कितना अमाउंट हमारे पास डिपॉजिट या लिबरेट होगा वो किस पर डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट इसको इसने किस फॉर्म में दिया लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस तो फेराडे के फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं फेरेडा का फर्स्ट लॉ यही कहता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड किसके प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिसिटी पास्ट के ठीक है हमारे पास कितनी इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज हमने पास किया अब देखो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपोजिटेड हम लिख रहे हैं डब्लू से डब्लू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिसिटी पास्ट इलेक्ट्रिसिटी पास्ट को क्या हुसे? क्या हो, क्या होता है चार्ज होता है ठीक है इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज बोल दो एक ही चीज़ है तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमें एक कॉन्स्टेंट यूज करना होगा हमने यूज किया जेड ड इंटू क्यू डब्ल्यू जेड गे हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ठीक है तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट अगर देखते हैं तो क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की अगर हमें डेफिनेशन पूछता है तो हम क्या बता सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज डिफाइंड एज इक्वल टू दी अमाउंट ऑफ एनी सब्सटांस डिपोजिट और लिबरेटिड वैन ए करंट वैन ए चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी ऑफ वन कुल इज पास्ट मतलब हमने जो क्यूँ है इसको क्या ले लेना है वन तो जेड के इसके इक्वल हो जाएगा डब्ल्यू के तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटांस लिबरेटेड वैन ए चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी ऑफ वन कुलम इज पास्ट थ्रू दोल्यूशन ठीक है तो जेड हो गया हमारे पास डब्ल्यू बटे में क्या u ये तो हो गया फैराडे का फर्स्ट लॉ अब हमारे पास सेकंड लॉ आ जाता है फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है सेकंड लॉ कहता है कि इसको समझने के लिए देखो फैराडे ने क्या किया दो अलग-अलग बीकर -अलग लिए अलग-अलग बीकर लिए या फिर हम कह सकते हैं अलग-अलग सेल ली। एक में हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया एक में हमने AgNO3 का सॉल्यूशन लिया ठीक है और दोनों को ही बैटरी से कनेक्ट किया और इसके इंटरनल सिरों को आपस में कनेक्ट कर दिया मतलब ये एनोड कैथोड एनोड कैथोड आउटर वाले कनेक्टेड है इनर वाले भी फर्दर कनेक्टेड है तो दोनों में क्या होता है हमारे पास सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट होती है या फिर हम कह सकते हैं चार्ज पास होता है ठीक है सो व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द टू सॉल्यूशंस कनेक्टेड इन सीरीज देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिब्रेटेड और डिपोजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट क्या कहता है कि जब हमने सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास किया तो हमारे पास कितना सब्सटेंस यहाँ पर डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड्स पर वो किसके प्रोपोर्शनल होगा वो हमारे पास प्रोपोर्शनल होगा उस सब्सटेंस का इलेक्ट्रो इक्विवेलेंट वेट कितना है जैसे कि हमने कॉपर सल्फ़ेट सॉल्यूशन का देखा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है इक्विवेलेंट वेट होता है एटोमिक वेट डिवाइडेड बाई वेलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन ठीक है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है कॉपर यहाँ पर क्या डिपॉजिट होगा कॉपर तो कॉपर का एटोमिक वेट होता है सिक्सटी थ्री पॉइंट फाइव तोलेंट वेट कितना हो गया कॉपर की वैलेंसी कितनी होगी इसमें टू क्योंकि कॉपर टू पॉजिटिव है ना इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो दो वैलेंसी हो गई ठीक है ए जी है सिल्वर सिल्वर का हमारे पास एटोमिक वेट कितना होता है वन जीरो सेवन पॉइंट फाइव इसका इलेक्ट्रो इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया इसकी वैलेंसी होती है वन ए जी पॉजिटिव एक पॉजिटिव है तो वैलेंसी हो गई वन ठीक है तो कोपर का हमारे पास इक्विवेलेंट वेट ये हो गया ए जी का ये हो गया तो अगर हम देखते हैं कि सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो इक्विवेलेंट वेट किसके तो हमारे पास इक्विवेलेंट वेट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट किसके प्रोपोर्शनल है तो देखो अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ एजी डिपॉजिट किसके प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए ठीक है अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ एजी ज्यादा है एजी का इक्विवेलेंट कितना है वन जीरो सेवन पॉइंट फाइव अगर एजी का इक्विवेलेंट वेट ज्यादा है तो एजे क्या होगा यहाँ पर इलेक्ट्रोड पर ज्यादा डिपोजिट होगा कॉपर का इलेक्ट्रो इक्विवेलेंट वेट कम है तो कॉपर की जो डिपोजिशन होगी वो क्या होगी कम तो कोई भी सब्सटेंस कितना डिपोजिट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा उसके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के ठीक है अब एक बात देखो मान लो हमने ये तो पढ़ा था ना पिछले क्लास में कि एन है मोल्टन केस ले रहे हैं हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो एन क्या बनाता है एन पॉजिटिव प्लस सी नेगेटिव ठीक है अब देखो एन पॉजिटिव है वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना देगा सोडियम तो इसमें हमने क्या देखा कि एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे पास एक सोडियम एटम ठीक है वन इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस वन सोडियम अगर हम एक मोल की बात करते हैं वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल प्रोड्यूस वन मोल ऑफ सोडियम वन मोल ऑफ सोडियम ठीक है अब दूसरा क्या है सीएल नेगेटिव सीएल नेगेटिव क्या बनाते हैं हमारे पास सी एल टू गैस और इलेक्ट्रॉन अब दो यहां पर एटम है तो यहां पर क्या आ जाएगा टू तो इलेक्ट्रॉन कितने लिबरेट होंगे टू तो इसमें क्या स्टेटमेंट आ जाएगी कि टू मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस वन मोल ऑफ सीएल टू गैस ठीक है अब यहां पर यह है कि टू मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस वन मोल ऑफ सीएल टू गैस अब एक बात देखो आप एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है चार जोन वन इलेक्ट्रॉन है की पावर माइनस नाइनटीन ठीक है एक मोल के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है वन मोल कितना होता है एवोगेड्रो नंबर होता है ना तो एवोगैड्रो नंबर क्या होता है हमारे पास सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन की पावर ट्वेंटी थ्री ये होता है एवोगैड्रो नंबर एवोगेड्रो नंबर इंटू चार वन on इलेक्ट्रॉन वो कितना है ये हमारे पास इसको जब हम सोल्व करते हैं तो कितना आता है नाइन सिक्स फोर एट सेवन ठीक है ये क्या है ये है चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है नाइन सिक्स फोर एट सेवन ये क्या है कुलाम है ठीक है तो इसको हमने क्या बोल दिया जो हमारे पास ये डिजिट आई इसको हमने एक नाम दे दिया फेराडे एक फेराडे एक मोल से कितना हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वन ठीक है चार्ज कितना कितना है वन वन नाइन सिक्स फोर एट सेवन या फिर हम इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो भी लिख देते हैं गुलाम ठीक है तो वन फेराडे इक्वल हो गया ठीक है सो so, अगर किसी भी हमारे पास रिएक्शन में एन इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन कितने हैं एन तो उसके लिए कितने फेराडे चार्ज चाहिए होगा एन फेराडे ठीक है इफ़ एन इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन पैसेज ऑफ एन फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी लिबरेट वन मोल ऑफ सब्सटेंस देखो हमने यहाँ पर बात की थी कि दो इलेक्ट्रॉन थे तो दो मोल ऑफ तो so, क्या था टू मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल प्रोड्यूस वन मोल ऑफ सी टू गैस अब टू मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी टू फेराडे अगर हम इसको जर्नलाइज कर दें कि एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है एन इलेक्ट्रॉन कितने प्रोड्यूस करेंगे एनफेराडे और सब्सटेंस कितना प्रोड्यूस हो रहा है वन मोल एन इलेक्ट्रॉन एन इलेक्ट्रॉन आर देन द पैसेज ऑफ एन फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल इलेक्ट्रिसिटीट वन मोल ऑफ सब्सटेंस हमारे पास कोई भी रिएक्शन है जैसे कि ए एल है प्लस थ्री ए एल थ्री पॉजिटिव प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन गिव्स टू एल्यूमिनियम तो यहाँ पर क्या हो जाएगा थ्री फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ियम ठीक है तो अगर हमारे पास एनी इलेक्ट्रॉन किसी भी रिएक्शन में मान लो यहाँ पर हमारे पास एनी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है तो क्या होता है एनफेरा डे ऑफ इलेक्ट्रॉन विल प्रोड्यूस वन मोल ऑफ दबस्टेंस ठीक है अब देखो इक्विवलेंट वेट आपको पता हो चल गया एन फेराडे कितना सब्सटेंस हमारे पास डिपॉजिट कर रहे हैं मोल अगर मैं वन फेराडे की बात करती हूँ किसी भी रिएक्शन का वन एन फेराडे ने वन मोल किया तो वन फेराडे ने कितना सब्सटेंस डिपोजिट करेगा वो डिपोजिट करेगा वन ग्राम इक्विवेलेंट

लॉज ऑफ के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे सिर्फ इस कंक्लूजन से W क्या होता है W इज Z इन टू क्या ठीक है आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हो सकता है क्या क्या पूछ सकते हैं फर्स्ट तो वो पूछ सकते हैं कि कितना अमाउंट लिबरेट होगा या डिपोजिट होगा ठीक है अगर कोई सब्सटेंस जाकर गैस क्या होती है गैस का लिब्रेशन होता है और अगर कोई हमारे पास अदर एलिमेंट है जैसे कॉपर हो गया सोडियम हो गया उनका क्या होता है डिपोजिशन होगा तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट और लिबरेट पूछ सकते हैं वो क्या होता है जेड इंटू क्यू अब आपको पता है ये क्या है करंट सॉरी uh, चार्ज चार्ज किसके आई इंटू टी तो क्या हो गया जेड इंटू आई इंटू टी दूसरा रिलेशन होता है ये अब आपको क्वेश्चन में Z कभी नहीं दिया होगा जो ये वाला वैल्यू है ना इक्विवेलेंट वेट ये कभी नहीं होगा तो आप इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे कई मेथड हो सकते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये Z एक्चुअल में है क्या इक्विवेलेंट वेट नहीं है ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है सॉरी अभी ये पता होना चाहिए कि ये Z होता क्या है हमारे पास एक्चुअल में Z हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया W अपन में क्यों ठीक है देखो इसको हम लिख सकते हैं एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी इनटू चार्ज ऑफ वन फेराडे वन फेराडे बोले तो ठीक है हमें यह दिया होगा कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है वो वैल्यू रखनी है मतलब यहाँ पर क्या होगा चार्ज कुलाब में आपको गिवन होगा वहाँ पर अगर क्यों ना गिवन हो तो आपको क्या होगा आई और टी गिवन होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आई और टू टी ये वाला फॉर्मूला देख लो एक बार ध्यान से अब एटॉमिक वेट डिवाइडेड वैलेंसी ये क्या होता है ये हमारे पास होता है इक्विवेलेंट वेट ठीक है ये फिर डायरेक्ट क्या कर सकते हो इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो इंटू आई इंटू टी ठीक है अब इक्विवेलेंट वेट भी आपको गिवन होगा मान लो आपसे ये बोल रहा है कॉपर सल्फेट का हमने सोल्यूशन लिया है उसमें हमने करंट टू एम्पीयर पास किया है ठीक है टू एम्पी और टाइम आपको दिया हुआ है टू आवर्स दो घंटे के लिए तो कितना अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट होगा ठीक है तो देखो हमारे पास अमाउंट निकालना है क्या निकालना है डब्लू ठीक है हमें पता है क्या होता है ये वाला फॉर्मूला देखते हैं एटॉमिक वेट कॉपर का कितना होता है सिक्सटी थ्री पॉइंट फाइव वैलेंसी कितनी हो गई टू हो गई आई की वैल्यू क्या है टू एम्पियर टाइम टाइम को हमेशा किस में लेना है सेकंड में अगर टू आवर्स है टू आर्स को हम पहले किस में करेंगे मिनट में मिनट को किस में करेंगे सेकेंड में अब वेलेंसी इनटू में क्या था नाइन सिक्स फाइव डबल ज़ीरो ठीक है यहाँ से हमारे पास क्या आ गया डब्लू तो आपको जेड की वैल्यू नहीं गिवन जेड की जगह क्या लिखना है इक्वी वेट या एटोमिक वेट डिवाइडेड बाई वैलेंसी इंटू नाइन सिक्स फाइव डबल ज़ीरो जेड क्या हो गया इन दिस वे वैलेंसी इनटू नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो हमारे पास जेड ठीक है यहाँ पर ये w का फॉर्मूला हो जाएगा फिर ओके इससे आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे अब जब हम इसको जैसे कि कोपर के लिए जेड की वैल्यू निकालते हैं तो कोपर का एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी कितनी आती है ठीक है इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती जीरो पॉइंट जीरो 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 थ्री टू नाइन फाइव ठीक है ग्राम अमाउंट तो ग्राम में जेड जो ये आएगा ग्राम में आएगा तो इतना सब्सटेंस डिपोजिट हो रहा है तो मतलब जेड क्या है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट था ना जब हमने वन फेराड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट की थी और नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो क्या है वन फेराडे ही है ना तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट वन वन फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू दिस सॉल्यूशन तो कितना अमाउंट लिबरेट हो रहा है थ्री टू नाइन फाइव ओके तो so ये समझ आ गया आपको चलो इसका हम एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं इसमें एक न्यूमेरिकल है अच्छा आपको ये तो पता होगा ना कि वैलेंसी कितनी होगी देखो कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है यहाँ पर जैसे कि एफ ई ओ है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है एफ ई टू ओ थ्री में हो रहा है ठीक है तो एफ ई कितनी स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस टू यहाँ पर एफ ई की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है प्लस थ्री तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो, हो रहे हैं एन इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व वन इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है तो अगर वन इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है तो वैलेंसी कितनी आ जाएगी वन आ जाएगी और एटॉमिक वेट किसका आएगा सिर्फ एफ ई का आएगा एफ ई टू ओ थ्री का

तो ऑक्सीडेशन एक मोल एसटो से कितने हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी चाहिए हमें टू फेराडे जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी अगर एक मोल से के लिए दो फेराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए है तो हमें कितनी निकालनी है टू मोल ऑफ एसटो के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए फोर फेराडे ठीक है फेराडे के फेराडे क्या होता है नाइन सिक्स फाइव डबल ज़ीरो गुलाम तो इतनी हमारे पास क्या चाहिए चार्ज चाहिए इन गुलाम्स ठीक है सो दैट्स ऑल फॉर टुडे आई होप आपके लेक्चर समझ आएगा ये फॉर्मूला अच्छे से देख लेना और इस लेक्चर के सारे नोट्स आपको पी डी एफ की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे वहाँ से प्लीज़ डाउनलोड कर लेना अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक्स फॉर वॉचिंग